ये जो है सिस्टम, आप बाकी सारे जो है वो सब्जेक्टिव है, ठीक हो गया? बाकी सारे सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन मतलब एग्जैक्ट पैरामीटर्स में आप कन्वे कर सकते हो, वैसे ही रिकॉर्ड होगी और उसका फॉलोअप भी वैसे ही होगा। तो इसमें एक तो इंटर ऑब्जर्वर बाइस नहीं आता, एरर नहीं आता, और दूसरी बात है इसको हम यूज़ कैसे करते हैं पॉक्यू को, बेसिकली कहाँ पे यूज़ हो, बेसिकली रिसर्च में यूज़ होता है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि हमने ये देखना है, इस सिस्टम का एक फ़ायदा ये है कि हाँ प्लीज, इस सिस्टम का एक फायदा ये है कि आप अपने पेशेंट की सर्जरी अनड्यू नहीं करते। हमने ये देखना है कि वो पेशेंट अपना यूट्रस कंजर्व करना चाहती है कि नहीं चाहती। 46, 47 में भी अगर उसको मेंसेस आ रहे हैं और वो प्रोलैप्स के साथ है, रेगुलर मेंसेस है और कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ जस्ट प्रोलैप्स है क्योंकि उसकी पैरिटी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं उसको डिप्राइव ऑफ यूट्रस कर देते हैं। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमने अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंप्लेंट देखी, और वो कंप्लेंट हम कैसे देखेंगे, वो कंप्लेंट हमने पेशेंट की इस तरह से देखनी है कि किस कंपार्टमेंट में उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? अब पॉप क्योंकि एक दो चीज बातें, दो तीन और जो इम्पोर्टेंट चीजें वो ये है कि एक तो ये कि इसमें आपने सिस्टो सील नहीं कहना, रेक्टो सील नहीं कहना, इसमें हमने चीजों को कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है? ये हमने कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया, इंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, मिडल कंपार्टमेंट, ठीक है? ये सब हो गया। प्लस इसमें हमने मेजरमेंट्स लेनी है। यहाँ पे जो मेरा मकसद है आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉप्यू पॉइंट्स बताना है और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में इसकी स्टेजिंग का करवा दूंगी, और ये कि इसको हमने मेजर कैसे करना है। दो तरीकों से हम इसको मेजर कर सकते हैं। एक तो इसमें हमारे पास आ गया ये ग्रिड है, वो टिक टॉक टॉक खेलते हो ना, जीरो क्रॉस लगाते हो ना, जैसे वो मैंने बनाया, तो वो वहां पे वो मकसद था। अब यहाँ पे हम इसका ये इंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट, ये समझ में आ गया सारा, ठीक है? इसके अलावा हम यहाँ पे भी इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है? ताकि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आप, क्योंकि आपने इसको मेजर करना है सेंटीमीटर्स में और उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है। दूसरा हमारा हो गया लीनियर ग्राफ, ठीक है? इससे हमें स्टेजिंग नहीं पता चलती, इससे हमें स्टेजिंग पता चल जाएगी, ठीक है? दो तीन बातें ये मैंने आपको बता दी। अच्छा, सबसे पहले ये होगा कि हमारे पास सिक्स पॉइंट्स हैं जो कि हमने एक जहां पे भी मेजरमेंट लेनी होती है, हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है? यहाँ पे हम हाइमेन जो है उसको एज अ फिक्स पॉइंट लेते हैं। ये आप इसमें देख लो, ये रेड से मार्क किया हुआ है, ये हाइमेन है क्योंकि ये फिक्स होती है, ये स्ट्रक्चर जो है ना ये मूव नहीं करता, बाकी सारी चीजें प्रोलैप्स है वो मूव करके बाहर आ जाएगा। इसमें हमने बेसिकली जो मेजरमेंट्स लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि पेशेंट स्टैटिक नहीं है, वो जब मैक्सिमम सिल्वर मेथड में पेशेंट अपना प्रेशर जो है वो करेगा तो उसमें क्या होगा कि सारी चीजें बाहर आ जाएगी। जब वो मूव करेंगी तो हमने उनको उनकी जो मूवमेंट है उसके उससे वो हमने उनकी मेजरमेंट्स लेनी है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 9 मेजरमेंट्स हम लेते हैं, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है? 9 मेजरमेंट्स है। इसमें जो है 6 पॉइंट्स है वो हाइमेन से रिलेटेड है, जो कि हाइमेन के रेफरेंस से जाएंगे, वो हमारे फिक्स पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा जो कुछ मेजरमेंट्स हम लेते हैं, जेनिटल हाइटस, यू नो व्हाट इज जेनिटल हाइटस? जेनिटल हाइटस ये है पोस्टीरियर फॉशेट, मिड ऑफ द पोस्टीरियर फॉशेट से लेकर मिड ऑफ द इनर कैनाल तक, ये हमारा जेनिटल हाइटस है। नॉर्मली कितना होता है इसमें? 3-4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? अब क्या होता है प्रोलैप्स वाले पेशेंट में ये रिड्यूस हो जाता है। अगर इसकी मेजरमेंट ठीक है तो इसका मतलब है कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हमारा दूसरा क्या है, सॉरी मैं आपको बता रही, पेरिनियल बॉडी, ये सॉरी आई एम सॉरी उल्टा कहते हैं, ये ना ये पोस्टीरियर फॉशेट से लेकर ये पेरिनियल बॉडी है, और दूसरा हमारा जेनिटल हाइटस है, वो कहाँ से? मिड ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग से लेकर कहाँ तक? पोस्टीरियर मिड ऑफ द पोस्टीरियर फॉशेट, ठीक हो गया? ये दो मेजरमेंट्स है, ये भी 4 सेंटीमीटर होती है और ये भी ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये नॉर्मल ये मेजरमेंट्स हमने लेके यहाँ पे लिख देनी है। और मेजरमेंट्स के लिए हमने एक स्केल रखा होता है, आप चाहे वो एक प्लास्टिक का स्केल ले लो या एक पॉप क्यू स्टिक आती है जो कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती है, ब्राउन से कलर की, प्लास्टिक ही की बनी हुई है। हाइमन से अबव जितनी मेजरमेंट्स है वो हमने कैसे लेनी है? और जो अपवर्ड्स है वो सारी नेगेटिव है। अच्छा, यही पे आपको एक दो छोटी छोटी बातें बता दूं। तीन मेजरमेंट्स हो गई, तीन हमारे फिक्स पॉइंट हो गए, सिक्स फिक्स पॉइंट हो गए, तीन जो है वो इंटीरियर वॉल पे होंगे, तीन पोस्टीरियर वॉल पे होंगे जो कि हमने हाइमन के रेफरेंस से लेने हैं, तीन हमारी मेजरमेंट्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब जो हाइमन से अबव है वो सारे नेगेटिव है और जो बिलो है वो पॉजिटिव है, ठीक है? अब एक चीज है, हमने इसकी स्टेजिंग देखनी है, 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अबव एंड बिलो, ठीक है ना? ये आपने याद रखना है, ये आप ये चीज याद करो तो स्टेजिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि 1 सेंटीमीटर अबव द हाइमन एंड 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमन कौन सी इसकी स्टेज 2 आ जाती है, ठीक हो गया?
कौन सी स्टेज आ गई? टू। अच्छा अब बेसिकली इसकी जो है ना जो हमने टेस्ट है नहीं दिया जी कौन कौन से पॉइंट्स आप इंटीरियर वॉल में हम देख लो। सबसे पहले इंटीरियर वॉल है, इसको हमने ये जो ए सब है ना ये इंटीरियर वॉल को डिनोट करा है, ठीक है। पॉइंट ए हम कहाँ से लेंगे? पॉइंट ए हमने लेना है, ये हाइमन है ना, ठीक है, इसको हमने लेना है 3 सेंटीमीटर अबव द हाइमनल रिंग। दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम कह देते हैं ए। ए हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। और बिकॉज इट इज ऑन इंटीरियर वजाइनल वॉल तो हम इसको क्या करेंगे? ए ए ए, ठीक है, एंटीरियर। अच्छा तुम लोग अगर दरवाजा खोले, अच्छा जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी से खोलो। अब अगर ये देखो मैं यहाँ से ये जा रही हूँ, प्लीज इधर आए ना सामने, जहाँ से मैं आ रही हूँ ना, ये मेरा फिक्स पॉइंट ए है, तो ये बाहर वाला कॉरिडोर कहाँ से शुरू हो रहा है? यहीं से शुरू हो रहा है ना, तो बी ए बी यहीं पे होगा, ठीक है, बी ए बी पॉइंट यहीं पे होगा। जहां से ए खत्म हो रहा है वहीं पे बी होगा, लेकिन बी ए यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, बी ए यहाँ से शुरू हो रहा है। जो रेस्ट ऑफ द ये ब्लैडर वॉल है, ये जो इंटीरियर वजाइनल वॉल है, इसको हम क्या कहेंगे? बी ए। अब ये जितनी भी बाहर आ जाए, यानी 3 सेंटीमीटर से ज्यादा जो भी चीज बाहर आएगी वो क्या होगा पॉइंट हमारा? उसको हमने मेजर करना क्या? बी ए। बी ए कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी? क्योंकि यही सबसे मुश्किल पॉइंट है, एक ये है और एक इसमें स्टेज 3 है, दो चीजों पे गौर करना, ठीक है। अब सपोज पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पे हमने पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, ये इसको किससे डिनोट करेंगे? पी, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द वजाइनल वॉल क्या होगी? जो बाहर वाली होगी वो बी 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 बी, ये वजाइनल वॉल है और ये बी हो गया, उसके बाद ये पोस्टीरियर ए बी हो गया, ए पी, और ये बी पी हो गया, बी पी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हमने ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिया? 3 सेंटीमीटर पे ही क्यों फिक्स किया? ये क्या लैंडमार्क है? यूरेथ्रोवेजाइनल जंक्शन होता है यहाँ पे, और डीवीटी टेप वगैरह पास करनी तो यूजुअली इसका यही मेजरमेंट है, इसका बेनिफिट यही है, ठीक हो गया। अब हमारे पास दो पॉइंट ये आ गए, दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हार्मोन के रेफरेंस है? मोस्ट प्रोट्रूडिंग पार्ट जो भी है सर्विक्स का, वो क्या है? चाहे वो इंटीरियर लिप पर हाइपरट्रोफी होता है ना पास होता है, जो भी है वॉट एवर, जैसे इंटीरियर है अगर, तो आपने इंटीरियर लिप ले लिया, वो हमारा सी होगा, और पाउच ऑफ डब्ल्यूस को हम डी करेंगे। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? अब देख लो इंटीरियर वॉल के पॉइंट्स, ठीक है, कप ऑफ सर्विक्स जो है वो पॉइंट सी है, यहाँ पे भी आप देख लो, इस पे भी मैंने मार्क किया है, ये सी पॉइंट नजर आ रहा है ना सबको, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट है जो मोस्ट डिस्टेंट पार्ट ऑफ द सर्विक्स है, ठीक हो गया, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट हमारा बन रहा है। अच्छा उसके बाद क्या है? पोस्टीरियर वॉल में भी ए पी और बी पी दो पॉइंट्स हैं, तीसरा हमने पोस्टीरियर फॉरनेक्स। अब जितनी मैंने मेजरमेंट्स बताई है ना आपको, सारी मेजरमेंट्स हमने मैक्सिमम वेसल्वा मेथड में लेनी है, एक्सेप्ट वन, टोटल वजाइनल लेंथ, ठीक है ना। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि मेजरमेंट्स लेना शुरू करते हैं, और आप लोग देखो इस मॉडल में ले लेंगे, इधर ले लेते हैं, चलो जी सबको नजर, अब सामने आ जाओ बच्चों, सारे साइड पे न रहे। अच्छा मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, जो मैंने भी सीखा, वो इस रेंज से, क्योंकि जब आप पेशेंट में करते हो ना, तो इससे बहुत आप इजीली मेजर कर लेते हो। करना आपने क्या है, एक स्केल ले लेना 6 सेंटीमीटर का, ये मैंने वो जो व्हाइट नहीं होता करेक्टर होता है उसके, उससे किया हुआ है 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 और 5 सेंटीमीटर के बाद मैंने जरा डबल लाइन लगा ली ताकि मुझे आराम से याद है। सबसे पहले पेशेंट की पोजिशन क्या होनी चाहिए, एक बात याद रखो, गायनी हाउस में तकरीबन हर जगह लेना एक एंगल हमारा होता है, उसको क्या कहते हैं, कौन सा एंगल है? 45. बजाना का एंगल क्या होता है? 45. रिट्रैक्टर्स आप कैसे पकड़ते हो? जो 45 के एंगल पे, और जितनी भी चीजें ना, मेरे ख्याल है 90% जो होती है वो 45 का एंगल होती है, ठीक है ना। अच्छा अब आपने ये देखा पेशेंट को कहने के 45 के एंगल पे आप देख सकते हो, वो बर्दिंग चेयर हो सकती है, इवन इसमें आप स्टैंडिंग पोजिशन में भी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर आपके पास पेशेंट आ गई है और जो भी उसका प्रोलैप्स की स्टेज है, आपने जो मैक्सिमम पार्ट बाहर है ना, पहले उनकी मेजरमेंट ले लेनी, ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको दो मेजरमेंट्स देना बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है। एक तो ये कि मैंने आपको स्टेज 0 बतानी है और मैं आपको बताऊंगी स्टेज 4, ठीक है। अच्छा स्टेज 0 पहले आ जाते हैं, क्योंकि
स्टेज जीरो में क्या है, सब चीजें अपनी नॉर्मल पोजीशन में, आवाज में पेशेंट टू लाई डाउन ऑन अ काउच 45 का एंगल है, बर्थिंग चेयर है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहना है पेशेंट से कि अब आपने वल्सलवा मेथड में आप नीचे बेयर डाउन करो। आई आस्क माई पेशेंट टू पुश डाउन एंड देन आई टेक द मेजरमेंट्स। कौन कौन से मेजरमेंट्स लूंगी? हाँ जी, ए कैसे लूंगी मैं? 3 सेंटीमीटर ये रहा ना, 3 सेंटीमीटर फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने 3 सेंटीमीटर कहाँ से लिया? हाइमेन मेरा, हाँ मार्क कर दिया। ये मैंने इसको मार्क कर दिया, डॉट लगा दिया अंदर, ठीक है। ये इधर पहले लगा होगा क्योंकि इसी पे पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है ना। 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर कहाँ पे लेना है? नीचे ए ले लिया पॉइंट। अब बी ए कहाँ पे है? बीपी कहाँ पे और बी ए कहाँ पे? बिकॉज कोई प्रोलैप्स ही नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये डाला स्पेक्युलम डाला, ठीक है। ये देखा मैंने, विजुअलाइज किया। अब यहाँ पे मैंने यहीं से, और जो भी मेजरमेंट आपने हमने लेनी है वो कोशिश आपने करनी है, जब भी प्रोलैप्स होगा लेटरल साइड से आपने सारी मूवमेंट लेनी, ठीक हो गया। अब मैंने ये हाइमन से रेफरेंस करते हैं, ये सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये तकरीबन कितना मेरा बन रहा है? 8 यानी कि हाइट इस तक जहां तक आ रहा है सर्विक्स, प्रोलैप्स नहीं है ना, नॉर्मल है। तो कहां पे होगा? तकरीबन 7 या 8 सेंटीमीटर पे होता है ये, मैंने तकरीबन 7 या 8 सेंटीमीटर। हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा? सर्विक्स आएगा, ठीक है। कितना मैंने ले लिया? 7 सेंटीमीटर। ए हमारा क्या था? 3 सेंटीमीटर माइनस के पीछे, और ए सॉरी बी ए 3 माइनस 3 बी ए माइनस 3। अच्छा, इसी तरह से हमने ए बी लिया, ये कितना है? माइनस 3 और बी पी माइनस 3 और दूसरा क्या हमने? पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। वो कैसे लेते हैं पाउच ऑफ डगलस? इस तरह से हमने लेते हैं क्योंकि देखो जो यूट्रस का, हाँ मैं यहाँ पे ड्राइंग बना के आपको बताती हूँ। ये देखो जैसे ये सर्विक्स है ना, सर्विक्स तो ये है, ठीक है। ये मैंने वही किया 7 सेंटीमीटर। अब जब मैं उसमें फॉर्निक्स में जाऊंगी तो वो 2 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट जो लेंथ होगी ना सर्विस की, उतना मुझे डी पॉइंट मिलेगा। तो हाँ ऑलमोस्ट नॉर्मल में क्या होगा कि ये जो है ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैंने 9 सेंटीमीटर लगा दिया, ये 9 सेंटीमीटर पॉइंट है डी। अच्छा, जेनिटल हाइटस कितना था हमारा? 4 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट है, इसको हमने उसमें नहीं ऐड करना। और दूसरा पेरिनियल बॉडी कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर, 3 to 4 कर लो, 3.5 सेंटीमीटर कर लो। वैसे प्रोलैप्स में ये रिड्यूस होती है। और तीसरी टोटल वजाइनल, टोटल वजाइनल लेंथ के लिए मैंने इसको निकाल दिया। आई आस्क माय पेशेंट टू रिलैक्स, आई विल कुछ और ये जो चीजें हैं जो भी कुछ बाहर आया हुआ प्रोलैप्स उसको मैं अंदर रिप्लेस करूंगी। पेशेंट मेरा रिलैक्सड है, ये वाहिद द ओनली मेजरमेंट है विच इज टेकन इन रिलैक्स पेशेंट। ये मैंने इसको मेजर कर लिया, ठीक है। दैट कम नॉर्मल पेशेंट में जितनी भी होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। एनी प्रॉब्लम ये ग्रिड में आपने लेने चाहिए, ठीक है। अब आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड मेजरमेंट ऑफ कॉपक्यू पॉइंट्स हो गए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब प्रोलैप्स होता है। अब ये गौर से देखना, ये मैं आपको, अब स्टेजेस इसमें कितनी है? 4 स्टेजेस, 1 2 3 4। वन स्टेज ही मैंने अभी आपको मेजरमेंट करें, नॉर्मल है, देर इज नो प्रोलैप्स। इवन अगर स्टेज सर्विक्स जो है इट लाइज विद इन हाइमेन से, जब तक ये यहाँ पे नहीं आएगा हमने इसको स्टेज 2 नहीं कहा, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर से अबव जितना भी वो आ रहा है ना, चाहे सामने आपको नजर आ रहा है 2 सेंटीमीटर अबव है, तो वो स्टेज 1 है, ठीक है। सर्विक्स ही वो स्टेज 1 है। अगर सर्विक्स वहां पे है तो स्टेज 1 है, अगर सिस्टोसील या रेक्टोसील आ रही है तो भी आपने स्टेजिंग उसके मुताबिक ही करनी है, ठीक है। इसमें सर्विक्स जो है वो हमारा लैंडमार्क नहीं होगा। अगर सर्विक्स ऊपर है सिर्फ प्रोमिनेंट सिस्टोसील है, तो जो सिस्टोसील बाहर है हमने स्टेजिंग उसी से करनी है। जो भी मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ प्रोलैप्स है ना, वट एवर इट इज, एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स है, पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स है, हमने वहां से पहले करना, ओके। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? आगे नहीं आ रही। आई एम वाले पार्ट 2 वाले, अच्छा पहले पढ़ा मैं कभी इसमें ना, थोड़ा सा अगर आप पहले पढ़ के आओ ना तो ज्यादा इजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना? अब मैं आपको बताती हूँ स्टेज टोटल वजाइनल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया स्टेज कहाँ है, 1 सेंटीमीटर अबव द हाइमन इज स्टेज 1, और विद इन 2 सेंटीमीटर क्या होती है? स्टेज 2। स्टेज 3 कहाँ तक होती है? बिलो 1 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी स्टेज 3? उसको हमने फुल स्टॉप लगाना है। वो फुल स्टॉप हम कहाँ पे लगाएंगे? नहीं, वो हर पेशेंट में स्टेज 3 वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी? टोटल वजाइनल लेंथ हमने कितनी ली? 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 में से हम 2 सेंटीमीटर पीछे, 10, हाँ टोटल वजाइनल लेंथ माइनस 2 इज 8, हाँ 8, तो 8 तक जो भी आएगा, 8 तक वो भी थर्ड डिग्री में, थर्ड डिग्री में आएगा। और जो अगर बियॉन्ड उसके आ गया
तो वो फोर्थ फोर यानी अगर 8.5 भी आ गया 8.1 भी आ गया तो दैट इज स्टेज फोर. बात समझ में आ गई. जो थर्ड स्टेज है वो बिल्कुल डायनामिक है, फिक्स नहीं है. फोर्थ में तो स्टेज फोर में तो सब कुछ बाहर आ गया ना. अच्छा अगर वॉल्ट है तो वॉल्ट है तो उसमें क्या करोगे, उसमें आपने स्टेजिंग करनी है तो क्या करोगे. वॉल्ट कितना साइज होगा वॉल्ट का, जब आपने स्टेक्टमी कर दी तो वॉल्ट 10 सेंटीमीटर तो यूजुअली नहीं होता, शॉर्ट होता है, 5-6 सेंटीमीटर होता है. चलो से 6 सेंटीमीटर का वॉल्ट है, 10 थोड़े देर के बाद एक साल के बाद वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ पेशेंट आ जाती है, फिर आपने उसकी स्टेजिंग देखनी है. अब टोटल वजाइनल लेंथ उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और प्रोलैप्स कितना, वॉल्ट कितना बाहर आ रहा है, 2-3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक आ रहा है. तो स्टेज 3 अगर पूरे का पूरा बाहर आ गया तो दैट इज स्टेज 4. यानी उसमें 6-2 करोगे तो 4 तक स्टेज 3 है. बात समझ में आ गई. हाँ माइनस टोटल वो कांस्टेंट है, ये आपने अप्लाई करना तो स्टेज 3 आएगी, 2 का आपको पता चल गया एंड 4 इज एवरीथिंग आउट. अच्छा जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें मैयर करने की, अच्छा पेशेंट पे इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी, बहुत फ्रेंडली मेथड है. ये देखो ये मैंने पूरा निकाल दिया वायर, ठीक है, दिस इज स्टेज 4. स्टेज 4 में आप ये देखो फिक्स पॉइंट हमारा 3 सेंटीमीटर पे आ रहा है. अब हम इसका क्या लिखेंगे, प्लस में कर देंगे. हाँ इसको क्या करेंगे, मेयर करके प्लस थ्री हो गया. ओके ठीक है. अब बीए पॉइंट कहाँ है इसका, पूरी की पूरी वजाइनल वॉल बाहर है तो कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे मार्क करेंगे. बीए यहाँ से शुरू हुआ था ना और यहाँ तक खत्म हो गया, जितनी वजाइनल लेंथ है उतना सारी की सारी बाहर आ गई, तो वो कितना होगा टोटल, कितना हो जाएगा, वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. यू गेट माई पॉइंट. बी ए जो है यानी रेस्ट ऑफ द वजाइनल वॉल जब वो सारी ही बाहर आ गई तो वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ए 10 सेंटीमीटर, ठीक है. और सी कहाँ पे है इस वक्त, मैक्सिमम बाहर क्या है, वो भी 10 सेंटीमीटर पे आ गया ना, ये भी 10 सेंटीमीटर पे आ गया. ठीक हो गया, ये हमारी मेजरमेंट्स वही रहेंगी, टोटल वजाइनल लेंथ वही रहेगी, ठीक है. और ये क्या होगा, एपी कहाँ पे आएगा, प्लस थ्री पे आ गया. देखो ये मैक्सिमम प्लस थ्री पे आएगा, ये प्लस थ्री अंदर रह सकता है, प्लस थ्री बाहर, क्योंकि आपने फिक्स पॉइंट है, निशान लगाया हुआ है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता. जब ये पूरे का पूरा बाहर आ जाएगा ना, पॉइंट ए ए या ए पी, तो वो प्लस थ्री या माइनस थ्री होगा. ये बात समझ में आ रही है, ये मैं स्टेज फोर आपको बता रही हूँ. अच्छा कितना हो गया मेरा ए पी, ये हो गया प्लस थ्री, क्योंकि ये फिक्स है, इससे साइज ज्यादा, ये मूव करता है, इट कम्स डाउन, तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है. और डी कितना था, अब डी कहाँ पे, कोई डी है ही नहीं, ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ये जीरो नहीं आएगा, 10 सेंटीमीटर. अब जो है इसको देखो, एक नॉर्मल इसको मैं अगर, ये ग्रिड है, ग्रिड पे मैंने आपको ये बता दिया. अब अगर आपको यहाँ पे देखो कहीं पे स्टेज, ये स्टेज फोर, ओके देखो हाईमेन हमारा रेफरेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है, आर यू विद मी, मेरे साथ हो. 10 सेंटीमीटर टोटल वजाइनल लेंथ, अंदर 10 सेंटीमीटर लो, ठीक है ना, हमने दोनों साइड पे लीनियर ग्राफ बनाना है ना. अब हमने ये देखना है कि जैसे फर्स्ट स्टेज में जब कोई प्रोलैप्स नहीं, जब स्टेज जीरो है, तो आप ये देख लो हाइमेन से हमने क्या मेयर किया था, पॉइंट ए ए माइनस थ्री पे था, बी ए माइनस थ्री पे था, सी कहाँ पे था, 7 पे था, और डी कहाँ पे था, ऑलमोस्ट 9 पे था, क्योंकि वो फॉनिक्स थोड़ा सा नीचे होता है, ऊपर कर्व होता है, ठीक है, ये 9 पे था. उसके बाद पोस्टीरियर वॉल पे आ जाओ, पोस्टीरियर वॉल में क्या आपने किया, ए पी और बी पी दोनों वही माइनस थ्री पे है, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है. अब अगर उसको मिला दो तो ये बन जाएगा, इसका ये कर्व बन जाएगा आपका. और अगर ये इसके अंदर फॉल करता है, इसके अंदर नहीं फॉल कर रहा ना, तो ये स्टेज जीरो है, ठीक हो गया, जो नॉर्मल पोजीशन है. अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो स्टेज फोर है, ठीक है. इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम से वो कम्प्लीट हो जाएगा, आपको पता. अब ये देखो जरा स्टेज फोर ही आ जाओ, हाइमेन से शुरू किया जीरो से, पॉइंट ए ए कहाँ पे है, प्लस प्लस थ्री पे, उसके बाद हमने आगे की बी ए कहाँ पे आ गया, वो पूरे का पूरा वायर है, वो 10 सेंटीमीटर पे आ गया. और सर्विक्स कहाँ पे है, वो भी सी 10 सेंटीमीटर में, गुड. उसके बाद पॉइंट बी पी कहाँ पे, वो भी 10 पे आ गया. उसके बाद ये क्या हुआ, आपने कर्व बनाई है स्टेज. एक इम्पॉर्टेंट बात बिफोर यू लीव, ये आपको बता दूं, जब आपने मेजर करना है, ऑल द मेजरमेंट्स दे शुड बी टेकन इन लेटरल पोजिशन में, ठीक है. सपोज अब यहाँ पे इस पे मेयर करना बता दूं, ये देखो ये प्लस थ्री, ठीक है, यहाँ से मेयर किया आपने, प्लस थ्री पे आ गया ये, ठीक है. उसके बाद ये बाकी भी तो कुछ है ना, जब आप इसको मेयर करोगे तो पॉइंट बी ए बनेगा, वो बनेगा प्लस 6, 2 सेंटीमीटर ऐड करो प्लस 5 पे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5.